Yes, it is. So our poem is Noses. It is Noses. Okay. So this poem ko hum start karte hain and I am going to recite this poem. You will also recite this poem with me. Okay. But you will not unmute yourself. किसी ने अनम्यूट नहीं करना. अपनी बुक अपने हाथ में पकड़ो. जब मैं रिसाइट कर रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ उस बुक को, पोएम को, साथ साथ में आपने बोल. ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट अनम्यूट योरसेल्फ. यस सपना एक्स जी बेटे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटे. आपकी जो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट हैव बुक बेटे, इफ यू डोंट हैव बुक, जस्ट लिसन. सपना एक्स बेटे, इफ यू डोंट हैव बुक, if you don't have book you can listen bete, that is why I am going to recite it, that is why I am going to recite it. Please bete aap sun lijiye jinke paas book nahi hai, and main recite karne ja rahi hu, main ye poem ko bolne lagi na pata sapna beta, sapna x, mute yourself bete, bete mute yourself, and dushyant ravi sen also mute yourself. बेटा इट इज ओके इफ यू हैव, जिनके पास है प्लीज उसको साथ साथ बोलो, जिनके पास नहीं है दे कैन लिसन. ओके, सो द पोएम इज नोजेस. सपना एक्स, दुष्यंत जी, दुष्यंत रवि सेन बेटे प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बेटा प्लीज Don't unmute yourself. Don't unmute yourself, Dushyant Ravi Sen. Again, don't unmute yourself, bete. Why are you creating disturbance for others, bache? Don't do that, bete. Don't do that. Yes. Don't do that. Don't do that. दुष्यंत रवि सेन. ओके, द पोएम इज नोजेस. इट इज आई लुक्ड इन द मिरर एंड आई लुक्ड देम. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Now when you read this poem, if you are able to understand, so this is a beta very funny poem. Yahan pe na ye is poem mein basically poet jo hai Ellen Fisher ne kya bataya hua hai usne na naak ke bare mein bataya. हमने कभी ये चीज नोटिस नहीं की. व्हेनेवर वी लुक इन द मिरर, डू यू एवर नोटिस योर नोज? हम कम ही नोटिस करते हैं. तो यहाँ पे वो नाक की शेप को लेके कि किस तरह से, किस जगह पे भगवान ने ये फिक्स किया हुआ है इसको, पोएट इस चीज को देख के बड़ा खुश है कि क्या है, क्या फनी सी चीज भगवान ने बना दी हमारे फेस पे. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये जो फर्स्ट लाइन्स है ना, वहां पे पोएट ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये कैसा हमारा नोज है. So here the poet says, I looked in the mirror and looked at my nose. कि मिरर में देखा और मैंने अपने नाक को देखा. It's the funniest thing. कितनी अजीब सी, कितनी funny सी thing है ना, ये मजाकिया सी चीज है भगवान ने जो बनाई है. The way it grows, ये कैसे है? हम notice करते हैं ना, नाक कैसे वो लंबा सा कहाँ बीच में भगवान ने लगाया हुआ है, तो वो उसको अपना nose बड़ा funny लग रहा है poet को. The way it grows, ये जिस तरह से ये बढ़ रहा है ना, हम देखते छोटे बच्चे का छोटा सा नाक होता है, एंड व्हेन दैट चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसका नाक भी बड़ा होता जाता है ना,
तो कहते हैं जिस तरह से ये लगा हुआ है हमारे फेस पे, ये देख के बड़ा फनी सा लगता है, स्टक राइट आउट वेयर ऑल इट शोज, और ये इस तरह से बाहर की तरफ है, सब कुछ इसमें दिखता है, और क्या दिखता है, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, नाक इट इज लाइक दिस एंड देयर आर टू होल्स, सबको पता है, एंड आपको किसी को, ओके एनीबडी हु कैन टेल मी, ये दो होल्स जो होता है इसको क्या, ये इसका फंक्शन क्या होता है, किस काम आते हैं ये, किस काम आते हैं ये बेटा, अपने आप अनब्रीदिंग करना, अपने आप अनब्रीद नहीं करना, अपने आप अनम्यूट नहीं करना, मींस आपको समझ नहीं आई थी जो मैंने बिगिनिंग में बोला था, इट इज फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के काम आता ना, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो पोएट जो है वो इस चीज को देख के कि ये कैसे लंबा सा नाक है, इसमें दो होल्स हैं, और वो होल्स जो है वो हमें सांस लेने में काम आते हैं, एंड आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माय चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माय हेयर, द एंड ऑफ माय चिन, दिस इज एंड ऑफ माय चिन, चिन क्या होता है, ये ठोड़ी को बोलते हैं ना, एंड ऑफ माय चिन एंड बिगिनिंग ऑफ माय हेयर, ये मतलब ये पूरा फेस समान, end of my chin and beginning of my hair and between there isn't much space to spare with my nose, ab iske beech mein hi kahin pe mera naak adjust kiya hua bhagwan, itni jagah to nahi kahin pe wo fix kar diya bhagwan ne, and like a handle sticking there, and if we notice it gives the shape ki ek handle hai kisi cheez ko pakadne ki, कि जैसे किसी कोई हैंडल फिक्स किया होता ना, ऐसे लगता ना नोज हमारा, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जैसे वी हैव नोज बट हमने कभी नोटिस किया ही नहीं, तो पोएट ने कैसे एक फीचर को नोटिस कर लिया कि हमारा नाक ऐसे लगता है जैसे ना किसी चीज का कोई हैंडल होता, ओके स्टिकिंग देयर मींस फिक्स्ड देयर, इट इज फिक्स्ड देयर। नेक्स्ट इज इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, गिगल मतलब लाफ लाउडली, कभी वो खिखी करके हंसने का मन करे, कभी हंसने का, गिगल इज लाफ, गैलेक्सी जे टू प्रो, म्यूट योरसेल्फ बेटे, गैलेक्सी जे टू प्रो म्यूट योरसेल्फ, सो इट इज गिगल का मतलब अगर कभी जोर से हंसने का, खुश होने का मन करे, आई कांट थिंक व्हाट टू डू इट अबाउट, कि अब मैं कैसे हंसू, क्या करूं, तो क्या सोल्यूशन है, पोएट क्या बोलता है, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और अब जब कभी हंसने का जोर से मन करे तो क्या करना है, ध्यान से देखो, शीशे में देखो, तो तुम्हारी अपने आप हंसी निकल जाएगी, ये किस तरह की चीज भगवान ने हमारे चेहरे पे लगाई। सो द बेसिक थिंग इज कि यहाँ पे पोएट ने ही कंसिडर्स आर नोज एज द फनीएस्ट थिंग, उसको नोज बड़ी एक फनी सी चीज लगी है, उसी को उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे पोएट ने, ओके। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू लुक इन द मिरर जस्ट थिंक ऑफ दिस पोएट, ओके, एंड ट्राई टू एनालाइज योर नोज, और ये भी देखो, और अपने अपने फैमिली मेंबर्स में भी सबका नोटिस करना, सबकी शेप, कि किसी के, किसी का हम बोलते हैं ना कि उसके यहाँ पे तो ये बड़ा स्लांटिंग सा है, किसी का हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, ओवल है, राउंड है, कईयों का बहुत राउंड सा होता है, तो दिस इज द थिंग कि आपने ये अपने घर पे भी नोटिस करना सबके नोज की शेप, एंड देन यू विल रियलाइज रियली इट इज समथिंग, बट ये फनी चीज तो है, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी आल्सो। व्हाई सो, व्हाई डिड आई से कि नाक का होना बहुत जरूरी भी है, व्हाट इज द नीड, यस कनन कौर विल टेल मी कि क्यों जरूरी है नाक का होना, यस विदे मैम हमारे नाक का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उससे ब्रीथ करते हैं। यस वेरी गुड इट इज नेसेसरी बिकॉज़ विदाउट नोज, विदाउट दीस टू होल्स वी कैन नॉट ब्रीथ, तो सांस लेने के लिए इस फनी चीज का हमारे फेस पे होना बहुत जरूरी, ओके। सो डिड यू एंजॉय द पोएम, आई समझ, यस बेसिकली कुछ भी नहीं है बेटा, म्यूट योरसेल्फ बच्चे,
बेसिकली इस पोएम में कुछ भी नहीं है, बड़ी फनी सी चीज है कि उसको पोइट को लगता है जब वो शीशे में देखता है तो उसको लगता है कि कितनी फनी सी चीज मेरे चेहरे पे लगी हुई है, और वो कहता है कि इसकी शेप ऐसे जैसे कि कोई हैंडल फिक्स किया हो कहीं पे। और ये उसका ये भी बताता है कि फायदा भी है कि इससे हम वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द टू होल्स विच आर देयर इन आर नोज। ओके, सो यही नोजेस पोएम है। और एंड द पोएट सेज दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू वांट टू लाफ लाउडली, गिगल का मतलब क्या है, लाफ लाउडली, नोट डाउन द मीनिंग, मैंने कल पूछना है ये। You all should hold your pencils and note down the meanings. बेटा meaning भी साथ साथ नोट करने, giggle का मतलब laugh loudly, जो खिल खिला के हम हंसते हैं ना, तो जब कभी भी next time खुल के हंसने का मन करे तो simply जाके क्या करो, look in the mirror, तो वो देख के तुम्हारी अपने आप ही हंसी निकल जाएगी कि ये क्या चीज हमारे चेहरे पे लगी। आज तक किसी ने नोटिस किया था ये नहीं, बट पोएट ने नोटिस किया, नाउ वी विल रियलाइज कि यस रियली इट इज समथिंग वेरी फनी। ओके बेटे, सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। नाउ आपने एक काम करना, आप ध्यान से इस पोएम को बाद में बेटा पढ़ना है आपने अच्छी तरह से, जो नहीं समझ आएगा कल आप मेरे को पूछोगे। और सेकेंडली आपके लिए एक छोटा सा काम हमने देना है, पोएम हमने कर ली ना, आपने पोएम मुझे नोज का फंक्शन आपने ही बताया कि इट इज यूजफुल, हमने सांस लेने के लिए हमारे यहाँ फायदा होता है ना, इससे हम सांस लेते हैं। यस अश्मित, अश्मित म्यूट योरसेल्फ बेटे, अश्मित म्यूट योरसेल्फ बेटे, बेटे आप क्यों आप लोग अनम्यूट करते हो, प्लीज डोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस बच्चे, डोंट डू दैट। तो बेटा आपने काम क्या करना है, आपने पेज नंबर 20, those who are having books with them, पेज नंबर 20 पे यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, दैट इज व्हाट इज योर फेवरेट फूड, डिस्क्राइब इट इन 5 sentences। ये तो सिंपल सी चीज है, आप सब लिख सकते हो, फेवरेट फूड सबका कोई ना कोई होगा और उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में आपने लिखना है। अब किस बेस पे क्या क्या लिखोगे, तो बेटा पेज 21 पे ये देखो, ये पेज 21 पे यहाँ पे ये 5 questions दिए, इनके जो आंसर्स आप लिखोगे दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फ्रूट। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज इट स्मेल, अब वो कैसा स्मेल करता है, कुछ सार स्मेल, कईयों की खट्टी सी स्मेल होती है, कईयों की मीठी सी होती है, वो आपने लिखना है, बहुत अच्छी सी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसे उसकी स्मेल लगती है। देन इट इज हाउ डज इट लुक, ये लॉन्ग है, राउंड है, ओवल है, उसकी शेप के बारे में बताना है। देन हाउ डज इट फील, ये सॉफ्ट है फ्रूट या ये हार्ड है, वो आपने बताना है। देन व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, इट डिपेंड्स, कुछ फ्रूट्स को आप खाते हो तो वो क्रंची सी साउंड आती है, कुछ फ्रूट्स को आप खाते हो तो कोई आवाज ही नहीं आती। सो इट डिपेंड्स आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। देन हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। अगेन दीज थिंग्स डिपेंड ऑन योर फेवरेट फ्रूट। लेट मी कंप्लीट देन आई विल गिव यू चांस टू आस्क। ओके बेटा, ये चीज आपने करनी है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज एक और है, दैट इज पेज नंबर 20 बेटा, सॉरी 23, पेज नंबर 23 पे ये देखो, ये एक पोएम दी हुई है, ये एक पोएम दी हुई है, इस पोएम को आपने पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज राइट 3 pairs ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। आपने कोई राइम मतलब जिनकी साउंड सेम होती है, ठीक है ना, जैसे नोज गोज, राइट, फ्लाई ट्राई, तो ये इनकी साउंड सेम है, तो ऐसे ही आपने इसमें से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। फॉर दैट यू नीड टू रीड इट अगेन। अगेन आई एम टेलिंग यू बिफोर डूइंग एनीथिंग,
आपने अगर पुरानी बुक्स ली हैं तो इरेज एवरीथिंग, सब कुछ खुद सॉल्व करो. ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू.